क्या बात है। सवरिया रे भोले बाबा जोगिया हो राम, अच्छा बाबूजी बाबा। हम भोजपुरी लोकगीत विरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी आप सभी साथियों को एक करेंट मैटर नई भी रहा जो पूरे देश को दुनिया को झकझोर दिया, इतिहास के पन्ने को झकझोर दिया, कवि की कलम कांप उठी। इस स्वतंत्र भारत बिरहा तो आप लोग बहुत सुनेला, अब बहुत लोगन के बिरहा आप लोग सुनला, लेकिन हर कलाकारन के गीत से हट के बिरहा बाप स्वतंत्र भारत सरकार, स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव काल विदेशों में मनाया जा रहा है। इन्हें देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो स्थिति हमारे देश के हमारे राज्य के भारत के एक हिस्से मणिपुर की है, जो घटना पूरे विश्व को झकझोर दिया, जो हमारे देश के जिम्मेदार चौकीदार हैं 77 दिन के बाद उस मैटर पर उस मणिपुर की घटना पर बोलने का काम किया प्रधानमंत्री महोदय ने, यही बोला कि घटना तो बहुत दुखद है, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ऐसी घटना हुई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री महोदय जी, आपने हर घटना पर यही कहा कि यह घटना बहुत दुखद है, लेकिन पता नहीं लगा कि आपने उस घटना को दुखद बता करके उस आरोपी को क्या किया। चार लाइन भूमिका में भाव हो बाबू। हद है वानियत की वतन हो रो रहा, इंसानियत खत्म करते दरिंदा, हवस का पुजारी अनारी बना है, बहन बेटियों को जलाते हैं जिंदा, हस्र क्या होगा इसकी फिक्र ही नहीं, अरे सारी दुनिया करे उन्हीं की निंदा, हर समय एक ही बात जेहन में उनके, मेरे सामने पर न मारे परिंदा, इस हिंदुस्तान में हैवानियत की हद हो गई, जहां बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, मजबूर होकर के अब उन बहन बेटियों की हाथ में तलवार होगी और अब उन्हें फूलन देवी जैसा रानी लक्ष्मीबाई बनकर के सावित्रीबाई फूले बनकर के रोड पर चलना पड़ेगा। एक लाइन कव्वाली का गीत है बाबू।
अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे ऐसा मर जाने के बाद जिंदगी ने सास मर जाने के बाद आएंगे 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 साजन मेरे, अरे मौसम गुजर जाने के बाद आएंगे साजन कवि जी बिरहा में लिखत हम कि अरे मानवी ममता पराई, मानवी ममता पराई आज क्यों इंसान से, मानवी ममता मानवी ममता पराई आज क्यों इंसान से पूछती कवि की कलम, सवाल करती है कवि की कलम इस समाज के लोगों से, पूछती कवि की कलम है आज खुद भगवान से, पूछती कवि की कलम आज खुद यही से हमारे बिरहा में कहानी का शुरुआत बाका। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले तुझको क्या सूझता है, किसने बनाया जाति नादान जूझता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल की है लड़ाई, कौन जात बनाया, कौन धर्म बनाया, कौन मजहब बनाया, एससी एसटी ओबीसी जनरल की है लड़ाई, हक कौन किसका खाता होती है क्यों लड़ाई, इसी के जद में आके पूरा देश जल रहा, समस्या हल हो कैसे संघर्ष चल रहा, आपस में भाईचारे का टूटा आधार है, आपस में भाईचारे का टूटा आधार है, मणिपुर जाके देखो जनता लाचार है, नागा कुकी झूमी है यस्ती की जतिया, नागा कुकी झूमी है यस्ती की जतिया, मैतेई जनरल घाटी पे पीटे छतिया, आया
अधिकार की लड़ाई या पाखों खो गए। जाति धर्म एससी एसटी ओबीसी बना करके लोग, देश जल रहा है उसी की आग में। बतावल जाला कि भैया तू अहिर हुआ, तू चमार हुआ, तू ठाकुर हुआ, तू बाभन हुआ। समाज जितना शिक्षा हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बढ़ी उससे कई गुना जात पात की भावना बढ़ी। मंडल कमीशन ने जब ओबीसी का आरक्षण लेकर के आया तो जगह जगह आपस में एससी एसटी के लोग, जनरल के लोग बात करते, लेकिन कभी जब बिरहा में ठे गीत लिखलन ये कौन व्यवस्था चलत है हमारे देश का। गीत लगल भैया उड़ी उड़ी जाल आचारिया। क्या बात है, मणिपुर में नागा कुकी झूमी है और मैतेई समाज। जब मंडल कमीशन आया तो मैतेई समाज के लोग जब ओबीसी में आ गए तो हुआ क्या, अरे मैतेई समाज जब ओबीसी में आईला, अरे कैला संघर्ष वही घारिया हो बढ़ी मानवा में फिकरिया। हो बढ़ी मानवा में फिकरिया। यशी का दर्जा मुर समाज जब पाई, अब पहाड़ी इलाका में पता का फहराई। यशी का दर्जा जब हमन के मिल जाए तो हमन के आरक्षण बढ़ जाए, हमारे पहाड़ी इलाका पर सबला कब्जा जमावल जाइए। अरे इम्फाल हाई कोर्ट में याचिका दायर कैले, अठाइल धीरा लड़ाई का बेरिया हो बढ़ी मानवा में फिकरिया। ए बाबू फैसला आने वाला है, हाई कोर्ट का इम्फाल हाई कोर्ट का फैसला आएगा और हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। वही समय बिरहा में ठीक गीत लगल बाबू, यह गीत बा डूबी मरबो ये राजा, अरे डूबी मरबो ये राजा जय बाज पूर्व के देसावा। लेकिन ए बाबू ये तो गीत है उसे बढ़िया कवि जी भाव लिखत हो। आई गई लये भैया, आई गई लये भैया फैसला कबेरिया जब ही। आई गई लये
समाज के खुशी भइल नर नरिया जबही मैते ई समाज के खुश भइल नर नरिया जबही आई गइल ए भैया फैसला कबेरिया जबही मैं ते ही समाज के लोगों का कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट से आया क्या हाई कोर्ट से एसटी दर्जा मैं ते ही पगाई लै हो कुकी नागा झूमी यादी कुकी नागा झूमी यादी वासी घबराई लै हो जो कुकी नागा झूमी आदिवासी थे अब उनके दिमाग में हो गया कि ये मैतेई समाज के लोग यष्टी का दर्जा पा गए पहाड़ी पे भूमि किनी है कुकी समाज का लोग सोचत हुए पहाड़ी पे भूमि किनी है मनवा में फिकरिया तबही मैं ते ही समाज के खुश भइल नर नरिया जबही मणिपुर की राजधानी इम्फाल हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जब फैसला की तारीख 3 मई 2023 को मुकर्रर की गई तो 28 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में इंडिजेंस ट्राइबल फोरम ने 8 घंटा मणिपुर बंद करने का ऐलान किया फैसला 3 मई 2023 को जब आया हो बाबू तो हुआ क्या बिरहा में गीत लगल यह गीत बा अरे सासू मार तनावा अरे नाना दियो मार तनावा रे तनावा हाई हो मार अरे तनावा हाई हो मार हमारे आगामा के बेटा हनारे तनावा हाई हो मारे ना तीन मई 2023 को जब फैसला आया तो हुआ क्या अरे फैसला के सुन के क्रोधित अरे यस्ती नौजवान अरे तबाये लनावा कैल ना तबाये लनावा कैल तीनों मिल के संगठन अरे तबाये लनावा कैल ना कुकी नागा झूमी अनुसूचित जनजाति छीन चाह हक मैं तेई उतपाती कुकी समाज के लोग अनुसूचित जनजाति के लोग सोच गए कि अब ये मैतेई समाज वाले अब हमारे हक को छीनेंगे आदिवासी एकता मार्च आदिवासी एकता मार्च वो ही ये ही छानावारे तबा ये लनावा भाईल तब ये तब भाईल मैं ते दू सुमा नवारे तब ये लनावा भाईल ना
तीन मई को जब मैतेई समाज को एससी अनुसूचित जात का दर्जा मिला, तब ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन आदिवासी एकता मार्च ने विरोध तो हुआ, लेकिन 4 मई को क्या हुआ? गीत लगल विराम भैया। कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कहला, अरे तनी ताक दे तू, तनी ताक दे तू गोरी हम मर जाई थी, अरे मर जाई थी बिना गंगा में नहाइले हम तार जाई थी। यही कुकी समाज के लोग कह रहे हैं क्या 4 मई को? कुकी समाज का हक मैतेई खाई जाई है। कुकी समाज वाले कहलन कि मैतेई समाज वाले अमन का हक खात हुए, तो कुकी समाज का हक मैतेई खाई जाई है, अरे खाई जाई है जब यार छड़ी एसी वाला पाई जाई है। यारा छड़ी ये सी वाला खाई गई है। जब यार छड़ी ये सी वाला पाई गई, जब ही कुल आरक्षण अब हमान का खाई है, हमान का रोटी छीन ली है सब, अब हमान बदे बड़ी विपत पैदा भइल। तब बतावत हुआ का चारों समुदाय चलल कई के तैयारी, तीन पे मैते ई समाज परल भारी। कुकी नागा धूमी, अरे कुकी नागा धूमी साथावा में आई जाई है, अरे आई जाई है जब यार छड़ी ये सी वाला पाई जाई है। जब यार जाई है जब यार छड़ी ये सी वाला पाई जाई है। जब यार छड़ी ये सी वाला पाई जाई है। ये बतावत हुए कि चारों समुदाय का सब तैयारी कर ललन, तैयारी कर ललन, अब रुख दूसरे तरफ घूमे लगल। अब ये तीनहुन पर मैतेई समाज भारी पड़े लगल, कुकी नागा झूमी ये लोग साथे आ गए लगल। जब साथे आ गए लन तब कवि जी लिखत हुए का, समाज मैतेई समाज से कहने लगे ललकार, पहाड़ पे ना बसने देंगे इस पे मेरा अधिकार। एक कुकी नागा झूमी समाज मैतेई समाज से कहने लगा कि पहाड़ की तरफ मत ताकना, नहीं तो लाशन का ढेर लग जाए। कोर्ट का फैसला हो चाहे जेकर फैसला हो, हमन का आरक्षण खात हुआ सभी, हमन के हक का रोटी खात हुआ। वही समय बिरहा शैली में कवि जी लिखत हो बाबू, अरे यार क्षण से झमेला हो गया, अरे यार क्षण से झमेला हो गया, कुर्सी राजनीति का चक्कर है अलबेला, अरे अलबेला, अरे अलबेला। दोनों ओर से गुंडागर्दी का अपना जोर अजमाए हैं,
दोनों ओरी से गुंडागर्दी कर अपना जोर अजमाए हैं। चूरा चंदनपुर जनपद में उपद्रव सब आग लगाए हैं। कागा पोपी बीके पोन गांव को घेर के नीच जलाए हैं। मैतेई समाज है उग्र बना गोली बारूद चलाए हैं। आग लग गई। आग जब लगल तो पहले चूरा चंदनपुर जनपद में लगल। कौन गांव रहल? कागा पोपी बीके बोन गांव में। भैया जब आग लग गई तब उपद्रव बहुत विशाल रूप पकड़ ले बा। एहर जब उपद्रव होने लगी गांव जलने लगा तो बाबू जो महिलाएं थी वहां की वो भागना शुरू कर दी। एक ही परिवार के दो तीन लोग निकल पड़े अपना जान बचा करके विदेशिया भाव। अरे डरिया के मारे तीन महिला दू पुरुष भाग। अरे रहिया में मिलल बाप पुलिस के मोटर कारिया। तीन महिला दो पुरुष उस आग से उस उपद्रव से भागने लगे। रास्ते में जब प्रशासन की गाड़ी मिली पुलिस के लोग मिले तो उनके जीव में जीव पर गल कि अब तो पुलिस हमार साथ में रहे और रक्षा करी हमारे रक्षक हुए। अब क्यों हम हन का कुछ ना कह पाई। ए हर दहशत गर्द पीछा कर जे भी वहां भागत रहली हजारों की संख्या में थे नीचे दुराचारिया। हजारों की संख्या में यह जो उपद्रवी थे जो आग लगा रहे थे लोगों को मार पीट रहे थे हजारों की संख्या में निकल पड़े और वो पुलिस की कस्टडी में पांचों लोग खड़े हैं। लेकिन बाबू ये कैलन का पापी कुल। अब पुलिस प्रशासन से उ पांचों जन के छीन ले हलय। अब महिला के तन से पापी खींचे साया सारिया। केहू ना कन्हैया बने ए बाबू द्रौपदी बाईनिया के। अरे नंगी कई के दौड़ावे लगल उह नीचे दुराचारिया। प्रमाण मिला साथियों प्रशासन के हाथों से पांचों लोगों को छीन लिए। छीन करके हराम जादे पापी जो महिला थी तीनों महिलाओं के तन से साया साड़ी ब्लाउज सब खींचना शुरू कर दिए। प्रशासन के लोग मूक दर्शन बन करके खड़े हैं। लेकिन हे बाबू महिला हमारे देश के जब सहवा सड़िया खींचल जात रहल तो बाबू मैं तेरी समाज के लोग इतने दबंग हैं कि 5000 राइफल आर्मी के जवानों से छीन करके रखे हैं। ये लोग 5000 राइफल जो छीन करके रखे हैं उसी असलहे के बल पर चूरा चंदनपुर जिले के में आए दिन गुंडागर्दी करते हैं और प्रशासन पुलिस के लोग चुप्पी साध करके बैठे हैं। बोल नहीं पाते उनके सामने न सरकार उनके खिलाफ बोल पाती है। हे बाबू जब वो मतारिन की आबरू के लूटे लगलन पापी प्रमाण मिला
कि 1999 की कारगिल की लड़ाई में देश की सीमा पर लड़ाई लड़ने का काम, तिरंगा झंडा फहराने का काम एक फौज का जवान किया था, रिटायर हो चुका है। उसमें से एक उस फौजी की भी पत्नी थी जो कारगिल में सेनापति के पद पर था। उसकी औरत की जब साड़ी साया छीन करके निर्वस्त्र कर दिए पापी, तो वही समय रो के एक ठे बात कहले। का कहलिन बाबू? मणिपुर के भैया मर पुकारिया सुनिला ना, साया साड़ी को पापी नग्न कर दिए, खींच लिए, इज्जत लूट रहे हैं हरामजादे, और रो रही है हमारे देश की माँ जिनके आंखों में खून की धारा बह रही है। यही कह रही है कि भैया तमाम लोग हो, किसी के अंदर तो कोई दया है, सबके घर में माँ बहन बेटियां हैं। यही कहती कि मणिपुर के भैया मोरे पुकारिया सुनिला ना, इज्जत लूटल हो दुराचरिया, इज्जत लूटल हो दुराचरिया, सुनना जारिए बरसेना, इज्जत लूटल हो दुराचरिया। ए बाबू, जब आबरू को लूट रहे थे, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल 20 सेकेंड की एक वीडियो देखा होगा, निर्वस्त्र करके पापी मां के स्तन को हाथ लगाए हैं, उनके शरीर पर हाथ रख करके मालूम पड़ रहा था कि अब इस समाज में, इस हिंदुस्तान में नारी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मीडिया से मिलल है खबरिया सुनिला, रोई रोई कारल हो गो हरिया, रोई रोई कारल हो गो हरिया, केहू चादरिया दे दाना, रोई रोई कारल हो गो हरिया, केहू चादरिया दे दा, रोई रोई कारल हो गो हरिया, केहू चादरिया दे दा। ए बाबू, रोने लगी मीडिया कर्मी के लोग, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए वह 20 सेकेंड की वीडियो, आप लोग देखे होंगे। लेकिन नग्न बदन को देख दरोगा, अरे नग्न बदन को देख दरोगा, अपना शीश झुकाए हैं, रपट लिखे ना अबला कि उनको उल्टा समझाए हैं, जो हुआ उसे अब करो सहन, सनकीपन को दिखलाए हैं, रिलीफ कैंप नंगी पहुंची दे वस्त्र इलाज करवाए हैं। जब वह महिला रिलीफ कैंप में नंगी निर्वस्त्र पहुंचती हैं, तो उस रिलीफ कैंप के लोग वस्त्र दे करके शरीर पर कपड़ा फेंकते हैं। फेंकने के बाद रोने लगी दोनों महिलाएं तीनों कि भैया मैंने रिपोर्ट के लिए बोला, दरोगा कुछ नहीं बोला, उसी जगह देखता रहा, शीश झुका लिया, लेकिन बोल नहीं पाया कुछ। कैसे समाज है, कैसन सरकार हो, कैसन शासन हो, कैसन प्रशासन हो, सर मानी चाहिए इस मणिपुर की सरकार को, जहां आबरू, मां बहन बेटियों की आबरू खुलेआम लूटी जा रही है।
और ये सरकार जश्न मना रही है, कहीं महोत्सव मना रही है। मैं तो एक ही बात कहूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, हमेशा आप बात करते हो, मन की बात करते हो, लेकिन आपके अधिकारी और कर्मचारी बहन बेटियों की आबरू के तन की बात करते हैं। आपका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए आप सबको। दे दो इस्तीफा और राष्ट्रपति शासन लग जाए हिंदुस्तान में, जो होगा यह जनता स्वयं फैसला कर लेगी। लेकिन पापट में भाव कभी लिखत हूं, अरे रोब तीनों महिला पीट छतिया पतिया आवना, अरे रोब तीनों महिला पीट छतिया बतिया आवना, आखर बाबू भाई के मऊतिया बतिया आवना। वह तीनों महिलाएं रिलीफ कैंप में रो करके यही बात कहती थी कि भैया हमारे सामने मेरे भाई की हत्या हो गई, मेरे बाप की हत्या हो गई। पुलिस के लोग उसी जगह खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। तब शासन प्रशासन मुख बना गूंगी भारी सरकार हो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 19 जुलाई दिन बुधवार को वह वीडियो वायरल हुई, जो 20 सेकंड की वीडियो थी। तब अरे चैन चैन से घूमे मणिपुर उत्पतिया बतिया आवेना, आ दुखी बा घटना से नारी जमतिया बतिया आवेना। लेकिन जब इस घटना की शिकायत बी के बोन गांव के मुखिया थांगबाई बफोई थाने मर जा करके 21 जून को अत्याचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया, तब 19 जुलाई 23 को 20 सेकेंड की वीडियो जो वायरल हुई थी, जिसने जिसने देखा सब लोगों ने निंदा किया। इतना निंदा हुई कि विदेशों में भी विरोध होना शुरू हो गया। यूरोप के सांसद में मोदी जी गए थे और वहां के जो यूरोपीय सांसद थे, यूरोप में मोदी जी के संसद में घुसने से पहले उनका बहिष्कार कर दिया। विदेशों में भी घटना की निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री का इतना अपमान हुआ यूरोप में, नहीं जब आप हिंदुस्तान जैसी ऋषि मुनि महर्षियों की धरती है हिंदुस्तान, जिसे विश्व गुरु की उपाधि मिलती है, जब उसकी रक्षा आप नहीं कर पाए तो यूरोप के संसद सदन में आपको घुसने की इजाजत नहीं है। आप दूसरे को क्या सिखाएंगे? वही समय कभी जी आल्हा में प्रमाण देता हूं बाबू। अरे देशवा विदेशवा में घटना का निंदा बाबू, यूरोपी सांसद से मोदी जी के बहिष्कार, दू माह 17 दिन बाद चेतला चौकीदार बाबू, मारी
सीएम बीरेन सिंह के मार गई मत आई बाबू ऐसा घटना छीट पुट हो लगातार। ए बाबू देश विदेश में निंदा होने लगी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की सरकार की धज्जियां उड़ने लगी और यूरोप के सांसदों ने बहिष्कार तो मोदी जी का किया। शर्म आनी चाहिए आपको कि दो माह 17 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री ने उस मणिपुर की घटना पर कुछ बोला तो मात्र यही बोला कि मुझे भी दुख है इस घटना से, जो उपद्रवी हैं, जो दुराचारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब मीडिया के लोगों ने मणि के मुख्यमंत्री माननीय बीरेन सिंह से पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, लगातार होती हैं, सरकार क्या करेगी, डेली बाय डेली रेप हो रहा है, डेली बलात्कार होता है, डेली आवरू लूटी जाती है, तो सरकार क्या करे, सबकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान था। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ उन्होंने एक बात कहा, क्या सदर व्यवहार चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कैलन कड़ाई मणिपुर सरकार को लगाए फटाका, महामहिम द्रौपदी मुर्मू बका करी है, अरे कैसे यादव सीएम का होई उद्या, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह गृह मंत्री शासन में तोहरे देखा हो अत्याचार, कैसे बचाओ बेटी कहां जाके रही है, जहां नहीं इज्जत उनकर होई तारता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अगर हम संविधान की रक्षा करना जानते हैं तो हम देश की भी रक्षा करना जानते हैं। दे दो इस्तीफा, हटा लो सरकार, मैं दिखा दूंगा कि सरकार कैसे चलती है और बहन बेटियों की आबरू कैसे सुरक्षित रहती है। अब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, मुर्मू ई का कर हैं, बड़ी सोच समझ करके इन्हें राष्ट्रपति के पद पर नवाजा गया, लेकिन आदिवासियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार और छुर्म हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं बोला। शर्म है हम हिंदुस्तानियों को आपके नाम पर। लेकिन अंतिम लाइन में कभी जी इस सरकार से, केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्या भैया तो सुनला है मोदी सरकार तो कैसे रुकी है अत्याचार, अखार में जा रहा हिंदुस्तान बचेबा कैसे,
माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक बात सुनिए आप, जौने तन से जन्म के लेहला वही तन के भूखा, जहां से आप पैदा हैं, जहां से हम पैदा हैं, जहां से समाज पैदा है, आज ही पापी वही तन का भूखा हुए। आपकी सरकार है, आप तो बड़ी बड़ी बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गई आपकी सारी ये योजना सारी व्यवस्था? जौने तन से जन्म के लेला वही तन का भूखा, नारी इज्जत लूटल कबले रहियां ऐसे लूखा। कबले आबुरु के इज्जत के लूखा लूटत रही हैं, शर्म से झुकल मोर वो तनवा सुनाए मोदी जी। हिंदुस्तान शर्मसार है, और आप तो 2.5 लाख की पेन, 5 लाख का जूता, 10 लाख का सूट चढ़ा के रोज एरोप्लेन में बैठ के स्वागत करावेला, लेकिन इहो कभो जन लाया कि हमार देश, हमारे देश के लोग कौने उम्मीद से हमके देखलन? आप तो विदेश में जाकर के नगाड़ा बजाते हैं, लेकिन कहा नाम है क्या? मणिपुर के घटना का दोषी एक गया पकड़ाई, खूब रूम हेरो दास निज के साथी चार कसाई, अच्छाई कहिया जेहल खाना बा सुनाए मोदी जी। नारियों की इज्जत को लूटी जा रही है, मणिपुर की घटना का दोषी एक पकड़ा गया जिसका नाम खूपरूम हेरोदास बताया गया, अभी और फरार है। लेकिन मोदी जी एक बात सुनिए, 60,000 लोग बेघर हो गए, आपने तनिक भी अपना दिमाग और नजर नहीं दौड़ाया मणिपुर की तरफ। 60,000 लोग बेघर हुए और 500 घर हुए, दुकान वन विभाग की आपिस को जला करके राख कर दिया गया। 80 दिन में 180 लोगों की हत्या हुई थी, सरकार क्या कर रही है? शर्म से यह राज और केंद्र दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो यह जनता हिंदुस्तान की, मणिपुर की जनता कहती है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, यह समाज आपके नाम पर थूकता है। आप किसी शादी समारोह में, फंक्शन में अगर अपनी पार्टी के नेता के घर जाने पे तनिक भी देरी नहीं करते हो, लेकिन 77 दिन का दिन बीत गया, आप एक बार भी मणिपुर की जनता का हाल चाल नहीं लिया, इसीलिए दुख है हमें। और हम अपने संविधान के तहत आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन यह जरूर है कि आपको इस पर नजर डालनी चाहिए। कहना मैं अंतिम लाइन में, सत्य राम गुर नटखट भारत पति राम को प्यारा, दिनकर लाल जवाहर फीका राम राज का नारा हो। आरक्षण से छबेला हो गया संतोष दया राम है कूटनीत का खेला, आरक्षण से झमेला हो गया।
अच्छा तो साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक कांड लेकर के आ रहा हूं। हमारे कांड का शीर्षक बा प्यार का बुखार भाई बना गद्दार। कई बिरहा आप लोगों के बीच में करंट बिरहा म्यूजिक के बैनर तले हम छोड़ ली, बड़ा पसंद कैला आप लोगन, बहुत प्यार दुलार ये छोट भाई के आप लोगन दिखला। ये बिरहा हमरे बड़का भैया श्री संतोष यादव के देख रेख में जात बा। बिरहा में चार लाइन का भूमिका हमरे राधे श्याम गुरु जी लिखल हम, नारी का महत्ता का है, का लिखलन मास्टर, कयामत गरी कयामत गरी नारी जन्नत भी गए हूर गए नारी वास्तव में भगारी बला गए अबला कगाती ये सबला प्रबल है जग को जन्माती नारी में ये कला है भाई से भगाई कसर कटाती निठुर हो उजड़े घर को बसाती नारी की गरिमा तिरिया चरित्र न जाने बिगदाता नचाती जगा को नारी की महिमा। तिरिया चरित्र न जाने विधाता नचाती जहां को है नारी की महिमा। हमरे कवि जी एक लाइन गजल के अंदाज दिहल कैसे है मास्टर, बेइरादा बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे मिल गई तो बेगिरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल कैसे संभलेगा उनसे मेरा दिल हाय ना जाने क्या मांग बैठे हमरे राधे श्याम गुरु जी
यह लाइन में बतौलन कि इश्क कितनी खतरनाक चीज है। का कहला मास्टर? इश्क की जाल में फंसी के आशिकी, इश्क की जाल में फंसी के आशिकी हो के अंधा धर्म भूल जाता। हो के अंधा धर्म भूल जाता। इश्क की जाल में फंसी के आशिक, हो के अंधा धर्म भूल जाता। कौन अपना कौन है पराया, पाप करता शर्म भूल जाता। हमरे बिरहा में नजम का लाइन दिहल गई, ये कहानी कहाँ का बा या कैसन बा? इश्क का भूत का पारे पे चढ़ के जब नाचे, कौन अपना है पराया है कौन ना जाचे। नागौर जिला राजस्थान प्रांत के अंदर, गांव पडरावन खुशहाल लगता है सुंदरी। एक परिवार में सगे दो भाई रहते हैं, प्रेम इतना कि दोनों भाई मित्र लगते हैं। बड़ा लेखराज था है सावड़ा छोटा भाई, बड़े के प्यार में एक सपना हसीना आई। बदन गदराया जो सपना का सपना लगता था, होता मिलना या ना जाना हरदम रहता था। सपना लेखराज से गई है देखो खूब सही, लड़ गई सावड़ा छोटे भाई से नजर वही। ए भैया, नागौर जिला राजस्थान प्रांत के अंदर से कहानी लिखल गई। एक गांव बा जौनी गांव का नाम बा पड़रावना, वही गांव में एक परिवार रहत बा। माई बाड़ी बाबू हुआ, दोनों जनी के बीच में दूठे बचवा हुआ। दोनों भाई दोनों लड़का जो रहल, दोनों भाई ऐसे रहत रहल, इतना घुल मिल के रहत रहल, नहीं मालूम पड़े कि दोनों भाई हुए। जे देखे तो कहे कि दोनों दोस्त हुए, आपस में एकदम मित्रता बा, घनिष्ठता बा, भाई भाई का प्रेम बहुत घनिष्ठ हो। बड़का भैया जवन रोहल जौने का नाम लेखराज बतावल गई, एक ठे लड़की से प्रेम हो गयल।
वो लड़किया का नाम सपना बतावल गई, वही लेखराज का जोन छोटा भाई हो जोने का नाम सावड़ा बतावल गयल। लड़की सपना का लेखराज के घरे डेली का आना जाना भी रहल, मिलना जुलना रहल, कोई कुछ बोलत नहीं हो, माई बाबू से भी मिले बदे सपनवा घरे चली आवे, आना जाना रहल, मिलना जुलना रहल, बहुत प्रेम रहल। जब प्रेम कपारे पर चढ़ल तो भयल का बिरहा में तर्ज लगल हो। पहले से गई लूची कना सावर गोरिया सूरतिया सुघर लागे, कैलू का ससुरा में उपाय सावर गोरिया लगेलू सबसे आगे, मारे मुस्की बलाम दुख भागेला, मारे मुस्की बलाम दुख भागेला, मोरे राजा के दुतल्ला पेट बल खिड़की हवा झूर झूर लागेला, ए भैया प्रेमिका और लड़कीन पे कबो विश्वास न करे, बहुत खतरनाक होली, एक जने से उबिया जाइ हैं तो दूसर के चक्कर में पड़ जाइ हैं। डेली कयाना जाना है घरे, छोटका भाई जो सावड़ा रहल लेखराज के, धीरे धीरे तैयार हो, लेखराज से भी ज्यादा खूबसूरत लगत हो, लेखराज से उबे लगल, उबे लगल तो कैलस का लड़ गईली सावड़ा से जुलमी नजरिया लेखराज जघर लागे, कोवे लगले दूनो खूब चोरी छिपे पूरी आज भाई गैर लागे, प्यार भाई का छर सम लागेला, प्यार भाई का छर सम लागेला, जाने बड़का नाम, जाने बड़का ना प्यारे जहर भैली खून अपना ही मांगेला, संयोजना बनावे ले, तू को साथी यन के आवूरी मिलावे ले, सपना पेट पे पेट चढ़ावेला, जाने बड़का ना, जाने बड़का ना प्यारे जगर भैली खून यापन ही मांगेला, ए बाबू
सपना के डेली कया ना जाना रहल, धीरे धीरे मनमुटाव होवे लगल बड़का भैयावा से लेखराज से। लेखराज के पास उस सपनवा का कुछ फोटो रहल, कुछ वीडियो रहल, प्लानिंग करे लगल सपनवा। सोचलस कि छोटका के मिलाई तो काम बन जाई। वही सांवड़ा से नजर लड़ावे लगल, सांवड़ा भी वो सपनवा के प्यार में पागल हो गयल। जब ओकरे प्यार में पागल भयल तो बिरहा में तर्ज लग गई। पिया परदेश गईल तार लागल चोटिया में, सपनवा के प्यार में छोटका भाई पागल हो गयल हो। सपना के प्यार में पगला ही गईला सावड़ा हो, करब तोहर से शादी फरमाई गईला सावड़ा, फरमाई गईला सावड़ा हो। सपना के प्यार में पगलाई गईला सावड़ा, एकदम पागल हो गयल सपनवा के प्यार में। का कहत ह कह लगल सपना मार तिरछी नजर से, सावड़ा कहलस कि हम तुमसे ब्याह कैल चाहत हई। सपनवा कहलस कि ब्याह तो जरूर कैल चाहत हुआ, बिया ऐसे ना हुई। का कहतिया शादी होई भाई के हटैबा जब डगर से, भैया के बुआई बबुराई गईले सवड़ा, बबुराई गईले सवड़ा हो। सपना के प्यार में पगलाई गईले सवड़ा, कहलस कि हम तुमसे ब्याह कैल चाहत हई। सपनवा कहलस कि ब्याह ऐसे हो ना पाई। जब तक लेखराज के रास्ते से हटावल न जाई हमन का ब्याह संभव नहीं हो। भूत कपारे पर सवार हो गए छोटका भाई के, पागल हो गए प्यार में। प्यार का नशा जब कपार पे चढ़ल तो कुछ लौकत नहीं, बिरहा में टेरी का लाइन लिखल गई। बुझाला ना पराया अपना प्यार है पावन, लेकिन यार गरल का प्याला, प्यार है पावन लेकिन यार गरल का प्याला, बुझाला ना पराया अपना। गरल माने जाने ला जहर होला। प्यार है पावन लेकिन यार गरल का प्याला, जहर का प्याला है प्यार। हमरे राधे श्याम गुरुजी चार लाइन सारंगा का भाव देले बांध के दिहा। होले खरी तसे खरी तिवारी घातक जग में,
प्रीति भारी घातक जग में पुलकित चामन देल जा लाई जी। ए भैया बिरहा के सुनवैया लोगन, आप लोगन के बता दें कि खरीत माने होला का, एक खरीत माने बहुत घनिष्ठ दोस्त होला, एक खरीत माने दुश्मन। दुश्मन कवन? सवत वाला। एक मरद के दुठे मेहरारू दोनों सवत है, सवतिया डाहत वो खरीत दुश्मन नहीं है बाप। एक प्रेमिका से दुठे प्रेमी प्यार करत हो वो खरीत हो, वो दुश्मन है। सपना संग सावड़ा मिलके योजना बनावे पापी, योजना बनावे पापी भैया के दे बलसम मुंगायुदी। रतिया के फोना वाला गाई दी गली सपना नागिन, गाई दी गली सपना नागिन लिखली लेखराज के वो लाई। राजू अशोक भाई सपना के साथे रगले, सपना के साथे रगले सवड़ा संग गोतियाला गायू जी। ए भैया सपनवा अपने दूठे भाई, सपनवा के दोनों सगा भाई हो, एक भाई का नाम राजू बा, दूसर के भाई का नाम अशोक बा। राजू और अशोक के साथे लेके उस सावड़ा के भी मिला लहलस, चारों एक जगह खड़ा गौन। यहर लेखराज अपने घरे बैठ के खाना खात हुआ, माइयो बैठल यही बाबुओ बैठल हुआ, लेखराजो लगवे बैठ के खात हुआ। खनवा खाते तब तक सपनवा का फोन आ गयल, जौनी समय सपनवा फोन कैलस, फोनवा उठाई के खनवा छोड़ले हम लेखराज लेके बहरवा निकल गई। माई बुलावत बाकी बाबू खनवा खा ले तब जो लेखराज सुनने नहीं चल गई बहरे। सपनवा बुलावे लगल, लेखराज कहल कि खाना खा थी खा के आवत है। कलस की ना अगर हमके चाहत हुआ, हमके जियत देखल चाहत हुआ, ये रास्ते पर खड़ा है आजा। लेखराज तुरंत निकलने चल गए सपना के लगे, जौनी समय सपना के लगे पहुंचल हम तो भयल का बिरहा में तर्ज लग गई। तर्ज बाकी तोह के चढ़ गई मैया नरियर चुनरिया हो की गंगा जी, तोह के चढ़ गई मैया नारियल चुनरिया हो की गंगा जी। बोझल नैया कैदा भव से पारावा हो की गंगा जी, लेखराज जब सपनवा के लगे अल तो का देखल अल लेखराज जब की गिरल यधियारिया हो की छतिया फाटल, अल लेखराज जब की गिरल यधियारिया हो की छतिया फाटल, सपना पे पड़ल बा नजरिया हो की छतिया फाटल, सपना पे पड़ल बा नजरिया हो की छतिया फाटल।
आइल लेखरा जनागी जानल मरा बाबा चारों जन के साथे जब देखल संभानावा राजू अशोक कस के गैलया कवरिया हो कि छपिया फाटल राजू अशोक कस के गैलया कवरिया हो कि छपिया फाटल बिरना कर में लगराव कटारिया हो कि छपिया फाटल भैया हो जौनी समय लेखराज सपना के लगे अलो देखत बाड़ा की सपना खड़ी हो दू ठे लड़का आऊ रह संकोच में पड़ गए कि दोनों के हो तब तक दोनों आय के पिछवे से पखुरा धैले हो लेखराज को लेखराज पूछे लगल कि सपना ही का होत सपनवा कलश के चुप रहा जवन होत बहुत सही होत ताकत हुए सपनवा की तरफ झरझर झरझर आंखी से आस गिरत थे लेखराज के तब तक वही झगड़िया में से निकल के वही अपने हथवा में एक ठे कटार ले ले छोटका भैया सावड़ा आ गए जौनी समय सावड़ा के देखल करेजा फाट गए बड़का भाई को लेके तैयार हो मारे बदे बड़का भाई के कुछ सुझत नहीं है रोवत हुए कल भैया काहे के हमरे साथ ऐसन करत हुआ तो के सपनवे न चाहती ले ले भैया ऐसन मत कर कलस की ना जबले तू जिंदा रहा संभव ना हो सकत बड़के भैया के मारे लगल सावड़ा जौनी समय मारे तैयारी कैले हो मारे लगल तब विराह में पहपट कलाई लिखल गई अरे द्रोही भैल मासुका का प्यार इसका के चक्कर में अमारा भाई को भाई गद्दार इसका के चक्कर में घाट उतारा पाजी जरा रगम न खाया है सड़क किनारे गला काट भाई की लाश छुपाया है भैल सुबह हल्ला भैली चहुओर इसके चक्कर में लेखराज को दिया कमीना मारगिस के चक्कर में ए भैया मनलस ना बड़के भैया लेखराज के मारे लगल कई ठेवार कैलस छपटियात हुआ लेखराज तब तक पटक के उस बड़के भैया के छतिया पे पैर रखलस गर्दनवा के रे तय लगल जौनी समय लेखराज दम के तोड़ले हुआ बगल के झाड़ी में लाश के छुपाए के कुल चल गई भयल सुबेर मॉर्निंग वॉक करब दे कुछ लोग अल देखल कि कई ठे कुत्ता लाश के आरी आरी मड़रात हुए लसिया के नोचत हुए हल्ला मच गई सवेरे
लोग पहचान गए कि लेखराज कलाश यो जौनी समय हल्ला भइल तो भइल का आल्हा कलाई लिखल गई भाई समीत नहीं भाई जैसन बैरी भैया मुड़िया के काटे या पूजावे दहिनी बांह भाई ले खराज के सवला जत बिरनवा बाबू छुरिया चलाई तैलस घरावा तबांग रपट लिखावा बाबू जाके थनवा पे भैया खोज पुलिस फोर्स नहीं पावे कवनो थाग बढ़ल बात बाव राज नीत हो लागल बाबू धरना पे विधायक बैठी रोक लिखल राव हो न लेख राज कबू लिस के हाथ लागल भैया बात भइल सपना से मोबाइल बगवाग पकड़ सपना के लेके आइल थनवा पर भैया बेदवा बताई सारा जिंदगी तबाग सावड़ा यशोक राजू धरना से धरैले भैया जेलिया में बाड़े भारी सजा के बचा मार के कुल अपने अपने घरे चल गई लो सावड़ा भिजाए के घरे सुतल हो जब हल्ला मचल लाश उठावल गई क्षेत्र का विधायक आई के रोड पर बैठ गए लाश के लेके चक्का जाम कर देहल अच्छा उस सावड़ा राजू अशोक वही धरनवा में वो तीनों बैठल हुआ जाके बाबू जाए के रपट लिखौल थाने पर पुलिस छानबीन करे लगल जहां लसिया रल वहीं से कुछ दूरी पर लेखराज का मोबाइल गिरल रहल लेखराज के मोबाइल का सीडीआर जब निकालल गयल सीडीआर में पता चलल कि लेखराज का आखिरी बात सपना से भइल हो शंका के आधार पर महिला पुलिस सपना के पकड़ के थाने पर लेके आई जब दबाव पड़ल तो सपनवा बतावे लगल कि ये साहब लेखराज के हम ही मरू ले गई हम लेखराज से दूरी बनावल चाहत रही हो साहब लेखराज के पास हमार कुछ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो रहल फोटो रहल हमके डर रहल कि वायरल न कर दे लेखराज यही बदे उनके छोटका भाई के मिलौली छोटका भैयावा के मिलौली ब्याह करे के शर्त रखलस चांस हमके मिल गल कल अपने भैया के रास्ते से हटा दा हमन का शादी हो जाई ए साहब हमार दोनों बड़का भाई छोटका भाई लेखराज के बोलौली तो पकड़ ले जाके वही लेखराज का छोटका भैयावा साहब लेखराज का गर्दनवा कटलिस आज हमार लेखराज दुनिया में ना हो पछता थी पछतावा कर थियो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत ए भैया लड़कीन पे कबो भरोसा न करे विश्वास न करे कब का कर जाइए कोनो भरोसा नहीं हो खड़ी कलाई लिखल गई
बहिनी बह भाई कैसे कहाई भैया फंस के प्रेम जाल में भाई के मुआई भैया बेटी बेटा जन्मी फिर से जन्मी नहीं भाई अकोखिया में अपने फिर से जन्माई ना माई चक्की जलिया में जाके अब पिताई भैया हंस के प्रेम जाल में भाई के मुआई भैया बेटी बेटा फिर से जन्म जाई हां लेकिन अगर भाई चल गए भाई फिर से कौनो जन्म में नहीं मिले वाला है मेहरारून में चौबगला धार होले कब के हर से कटवा दे एक थे भाई के एक थे भाई से कटवा के मरवा दे हलस ई मेहरारू होली प्रेमिका के ऊपर भरोसा कबो न करे के चाहिए हिमांशु बाबू जौनी समय सपनवा बतौले प्रशासन जाके लेखराज के अशोक के राजू के वही धरना स्थल से पकड़ ले हो लिया के जेल में बंद कर दिलस आखिरी बात बा गुरु घराने का छाप है गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका नयन भर नीर कथन करे कबीरा दे श्याम सुरेंद्र राम अधीर हो बुझाला ना पराया अपना सुनील भाई प्यार दुनिया में अमर कहाला बुझाला ना पराया अपना।